बीच में हमारे विद्यालय परिवार के मार्गदर्शक और कहा जाए तो इस विद्यालय के विशिष्ट दामा सम्मानीय आर के जैन साहब का आगमन हुआ है। सभी लोगों का ताली बजाकर स्वागत करें। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे यहाँ पर आपने शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको इमेजिन करना सीखना होगा। जो कुछ भी आज हमें दिखाई दे रहा है, हवाई जहाज, सेफ, सुई, माइक, टेबल, ये सब धरती पर बनने से पहले किसी के दिमाग में बना होगा, इसी को कहते हैं इमेजिन। बड़ी से बड़ी लड़ाई मैदान से पहले दिमाग में जीती जाती है, और अगर आपने ये कर लिया तो आप निश्चित रूप से वह हासिल कर सकते हो जो अभी तक किसी ने नहीं किया। किसी ने जब हेलीकॉप्टर बनाया होगा, किसी ने जब हवाई जहाज बनाई होगी और उसने सोचा होगा, तो लोगों ने यही कहा था कि पागल हो गया है, हवा में उड़ सकता है क्या? लेकिन वो बने और उनको हम देख रहे हैं आज। ऐसे बहुत से आविष्कार जो हुए हैं वो सिर्फ हुए हैं तो इमेजिन के नंबर हुए हैं। इमेजिन के बाद आता है दूसरा इंटेंशन, उसको हासिल करने के लिए आपके पास कितनी इच्छा शक्ति है, क्या इरादा है, किस प्रकार से आप वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने ये जान लिया तो आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति करते हैं। इंटेंशन के माध्यम से आप जो हमारे दिमाग के अंदर है वह सब प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना की ऊंची, जो आपने सोच लिया वही आप बन जाएंगे। अगर आपने सोच लिया कि हमें सब जिंदगी भर ऐसे ही रहना है तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका गोल वह होता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप कभी कुछ बन ही नहीं सकते। मान के चलिए आप घर से निकले हैं और आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो आप कहाँ जाएंगे? अपना टाइम बर्बाद करके शाम को वहीं वापस पहुंच जाएंगे जहाँ पर आप थे। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हम सभी का एक अकाउंट है और जिसमें हमारे पास 86,400 सेकेंड्स समय रोजाना जमा कर देता है, लेकिन शर्त यही रहती है कि हमें उस दिन उसको यूज करना है। और अगर यही अकाउंट हमारा किसी बैंक में होता तो हम क्या करते? पूरा पैसा निकाल लेते और एक एक पैसे का सदुपयोग करते। और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास हमें सेकेंड्स मिले हुए हैं वो हम यूं ही बर्बाद करते जा रहे हैं। कोई फेसबुक में लगा है, कोई व्हाट्सएप में लगा है। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सपने देखना होंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने जी जान से लगा देना होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने अंदर वो हौसला लाइए, वो संकल्प शक्ति अर्जित कीजिए जिससे कि आप जो चाहें वो प्राप्त कर सके। इतना ही कहूंगा, अपनी बात उनको विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सभी को, आपने बहुत अच्छा संग्रह किया। धन्यवाद।